नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के यंग जनरेशन का एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इस तरह से है सिंटू सिंह जी का। मेरे राजू भाई, ड्रीम में नुकसान हो रहा है, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं कि ऑनलाइन गेम खेलने से कैसे बचा जाए, क्या करूं। एक इमोशनल वीडियो बनाएं। ड्रीम मतलब ड्रीम इलेवन का वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लॉटरी का सिस्टम क्या होता है। कोई भी जो लालच माइंड गेम जो खेलते हैं ना, उसमें लॉटरी का स्ट्रक्चर इस तरह से है। एक सबसे ऊपर में एक व्यक्ति है जो इसको शुरू करना चाहता है, फिर वो दो आदमी को देंगे लालच कि ये खरीदो, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। फिर इस तरह से करके चैन सिस्टम से वो बढ़ जाता है पूरे समाज में। तो एक को दो, दो को चार, चार को आठ, आठ को 16, इस तरह से बांट दिया। ऐसे अगर देखते हैं, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64, अगर 20 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब फिर वो दो दो लोगों को देता जाए, तो 20 बार में 10 लाख व्यक्ति तक वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब 10 लाख लोगों में वो बट गया और एक लॉटरी का कीमत 10 रुपया है, तो 1 करोड़ का लॉटरी समाज में बिक चुका। अब इसमें से 5-5 लाख रुपया करके दो व्यक्ति को प्राइज़ दे दिया, हर दिन निकलता है, और 2-2 लाख रुपया करके 10 आदमी को दे दिया, तो उन्होंने कितना बांटा? पहले 10 लाख बांटा, फिर 20 लाख बांटा, और 1-1 लाख करके 20 आदमी को और दिया, दो आदमी को, 10 आदमी को और 20 आदमी को, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख का प्राइज। तो टोटल कितना हो गया? 50 लाख उन्होंने बांट दिया। समाज से उठाया कितना? 1 करोड़ उठाया, 50 लाख बांट लिया, 50 लाख उनका शुद्ध मुनाफा हो गया। मुझे ना, मैं एक वीडियो में बताया था ना कि मैं गरीब था, लेकिन कभी गरीबी महसूस नहीं हुआ। महसूस इसलिए नहीं हुआ कि बाबूजी 80 रुपये कमाते थे तो उसी दिन 80 रुपये खर्चा कर देते थे, फ्यूचर के लिए कभी सोचा ही नहीं। एक संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक है ना, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी भी पीना पड़े ना, कर्ज लेके घी भी पीना पड़े तो पी जाओ। मेरे बाबूजी का यही फंडा था। उनके इस फंडे की वजह से हमारा लोग का बचपन बहुत अच्छा कटा। 80 रुपये कमाते थे, 80 रुपये खर्च, 100 रुपये आज कमाया, 100 रुपये खर्च, 150 रुपये मैक्सिमम कमाते थे, जहाँ तक हमें याद है वो 150 रुपये उस दिन खर्च। सबसे ज़्यादा जो गरीबी महसूस हुआ ना, उस समय जब मैं 10th से 12th में था, बाबूजी को एक आदत पड़ गया लॉटरी खेलने का। उनको लगता था गरीबी बहुत ज़्यादा है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि सब लोग अमीर हो जाएं। उनका ऐसा सोच, सबका यही सोच होता है कि बच्चे, फैमिली, सबका जो है जीवन यापन बदल जाए। तो 50% पैसा जो है ना, वो लॉटरी में जाने लगा। हम मना करते थे, मम्मी मना करती थी, लेकिन चोरी चुपके वो लॉटरी खेलते रहते थे। तो 50% जब पैसा जाने लगा ना, तो घर में कितना आने लगा? वो कभी 40 रुपया, कभी 50 रुपया और कभी 80 रुपया। वो जो दौर था ना, मेरे लिए सबसे बड़ा गरीबी का दौर था, क्योंकि घर में खाने के लायक भी पैसा नहीं होता था, खाना कम पड़ जाता था, कपड़े का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं अपने दोस्तों के घर जाता था और तब तक पढ़ाई का नाटक करते रहता था, पढ़ाते रहता था बच्चों को, अपने फ्रेंड को और या किसी को भी, उस घर में बच्चे को तब तक पढ़ाते रहता था जब तक कि खाने का समय नहीं हो जाता था। 2:30-3 बजे खाने का जब समय हो गया, तो उनके बच्चे को खाना खाने जाना है, जब वो लोग जाएंगे तो मुझे भी बोला जाएगा ना कि आ जाओ राजू, तुम भी खाने के लिए। तो इस तरह से जीवन यापन चलता रहा। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था ये लॉटरी का स्ट्रक्चर, जो किसी एक आदमी ने माइंड गेम से लोगों को समाज में लालच देके बनाना शुरू किया था। तो हमारे तरह बहुत सारा कहानी है, कोई दारू में व्यस्त है, कोई लॉटरी में व्यस्त है, कोई किसी चीज़ में व्यस्त है, और खेल तो ऊपर वाला खेल ही रहा है, देख ही रहे हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं दिल्ली में था, सिटी लिमोजिन करके एक कंपनी था, उसका कहना था 1.5 लाख रुपया दीजिए और 5,000 रुपये पर मंथ लीजिए। मैं तो देखा कि अपने दोस्तों को, अगल बगल के लोगों को PF से निकाल के, FD से निकाल के, पोस्ट ऑफिस RD सब तोड़ ताड़ के जो है कर्ज में लेके 1.5-1.5 लाख रुपया देना शुरू किया। तो चैन सिस्टम तो बनाना था, अगर दो आदमी को जोड़ देंगे तो 20-20 हज़ार रुपया और मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपया दिया, 5-5 हज़ार रुपया लिया, दो आदमी को मुर्गा पकड़ के लाइए, 20-20 हज़ार रुपये और मिलेगा। तो मैं किसी को मुर्गा दिख गया, मुझे पकड़ के ले गए, बोले चलो भाई पता तो लगाते हैं क्या है ये, कैसे देता है पैसा। तो नेहरू प्लेस के एक ब्रांच में गए, सिटी लिमोजिन के ब्रांच में, बोला 1.5 लाख तो दे देंगे, एक चीज़ बताइए कंपनी करता क्या है। तो उनका एम्प्लॉय जवाब देता है, मुंबई में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा सा बन रहा है, तो यही काम है उनका, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम है, बनाते हैं, रेंट पे लगाते हैं, बेचते हैं। मैं बोला ये जो बन रहा है, हमारा पैसा वहीं लग रहा है? बोला हाँ। तो बन रहा है तो बनने में कितना समय लगेगा?
बोले 3-4 साल लगेगा। तो मैं बोला अच्छा अगर 3-4 साल लगेगा तो अभी से 5-5 हज़ार रुपया कैसे बांट रहे हैं सबको। तो उनका जवाब होता है कि आप सवाल जवाब ज़्यादा मत कीजिए, देखिए इतना लोग लगा रहे हैं, देखिए ये चेक देखिए इतना एप्लीकेशन आ रहा है, आपको करना है तो कीजिए नहीं तो बस जाइए, ये देखिए टीवी में है, न्यूज़ में है, मोबाइल है, रिंगटोन है, सब कोई बोल ही रहा है, तो आप भी ले लीजिए। मुझे जवाब समझ ही नहीं आया, मैं वापस आ गया। 1 साल के बाद पता चलता है कि जिसने जिसने लगाया था हुआ ओम भूर भुवः स्वः। तो यहाँ पे भी ऐसे देखेंगे कि एक आदमी था, दो आदमी को जोड़ा, चार आदमी को जोड़ा, 8, 16, 32 ऐसे करके 20 बार चलेंगे तो 10 लाख आदमी जाल में आ चुका है। तो 10 लाख व्यक्ति 1.5-1.5 लाख रुपया दिया तो कितना पैसा दे दिया, 10 लाख व्यक्ति 1.5-1.5 लाख, तो लाख में 2 ज़ीरो देखेंगे तो करोड़ हो जाएगा, तो ये लाख में कितना हो जाएगा, 1,000 बच जाएगा, तो 15,000 करोड़ उस कंपनी के पास आ गया। अब उस 15,000 करोड़ में से 5-5 हज़ार रुपये सबको देना है हर महीने, यही तो है, 1.5 लाख दिया 5-5 हज़ार देना है, तो 5-5 सौ रुपये पर मंथ दिया तो कितना पैसा दिया, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ 10 लाख को देना है, इस 10 लाख को 1 ज़ीरो दे दिया तो करोड़ बन गया वो, तो 500 करोड़ मंथली बटेगा, टोटल पैसा कितना है उसके पास, 1500 करोड़, और 500 करोड़ मंथली बांटना है तो 2 ज़ीरो कट गया, 150 बटे 5, 150 बटे 5 30 महीना तक उसके पास पैसा है बांटने के लिए, 30 महीने तक, क्योंकि कुछ कर तो नहीं रहा है वो, न मुंबई में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना कुछ, कुछ भी नहीं है, पेपर पे पैसा ले रहा है और वही पैसा वापस लौटा रहा है। तो देखेंगे 10 लाख व्यक्ति अगर फिर से वो दो दो लोगों को जोड़ दिया तो 20 लाख और आ गया, 10 लाख पहले से था तो 20, 10, 30 लाख अगर तो ऐसा जुड़ता रहा तो मजे होते रहे, सबके 5-5 हज़ार रुपये मिलते रहे, नहीं जुड़ा, कोई भंडा फोड़ हो गया तो भंडा फोड़ के केस में आप देखेंगे 12 महीना चला, 15 महीना चला, उसके बाद दिवालिया कर गया, 30 महीने का पैसा है बांटने के लिए, 30 महीने के बाद तो कोई हालत में किसी के पास होगा ही नहीं। तो देखेंगे 12 महीना, 15 महीना, 20 महीना के बाद खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, टोटल 15,000 करोड़ था, लगभग 750 करोड़ अगर बांट दिया तो बच गया कितना, 750 करोड़। तो आधा पैसा बांटने के बाद अगर वो अपने आप को शटर क्लोज करते हैं, दिवालिया मानते हैं, तो 750 करोड़ बच जाएगा। और जब ये पैसा बचेगा, बड़ा अच्छा सुंदर सेंटेंस है कि तरबूज कटेगा तो सब में बैठेगा, इस तरह का स्कैम जब बंद होता है ना तो कभी भी साधारण इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलता है, पकड़ लिया, फ्रीज हो गया, अकाउंट सब हो गया, इतना पैसा पकड़ा गया, सब हो गया, ठीक है, साधारण आदमी को पैसा कब मिलेगा, हमने तो कभी साधारण आदमी के पास तो पैसा आते नहीं देखा है। तो यहीं पर आता है सेंटेंस कि तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, मैं सोसाइटी में आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, कहते हैं कि 5 लाख रुपया की स्कीम है, पैसा दिया और 30 हज़ार रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो मैंने पूछा क्या क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं पैसा, ट्रेडिंग करते हैं, 2 दिन मात्र ट्रेडिंग करते हैं, 300 दिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, 2 ही दिन करते हैं। तो मैं बोला किस किस कंपनी में लगाते हैं, वो तो पता नहीं है किस कंपनी में लगाते हैं, पता लगाते हैं 2 दिन ट्रेडिंग करते हैं और हमको 30 हज़ार रुपये अकाउंट में आ जाता है। तो मैं बोला ये जो भूतकाल चला था, भूतकाल में भी दिया था, बोला हाँ उस समय भी दिया था पैसा 30-30 हज़ार रुपया। तो इस तरह का बात मुझे कोई बताता है ना तो मैं तुरंत नहीं बोलता हूँ फ्रॉड हो जाएगा, चैन सिस्टम है, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा निकाल लीजिए, तुरंत नहीं बताता हूँ, देखता हूँ चाय बिस्कुट बन गया क्या, चाय आ गया ना, चाय आ गया, बिस्कुट खा लिया, अच्छा से समझ लिया, उसके बाद बताता हूँ, उनको समझाता हूँ कि जितना हो गया हो गया, पैसे को निकाल लीजिए, ये चैन सिस्टम इस तरह से, आपके ही पैसे से, रिलेटिव के पैसे से, और भी लोगों का पैसा लगा दिया उन्होंने, एक अपना ही नहीं बैठे हैं, सबका लगा दिया, 10-15 फैमिली मेम्बर्स का भी झोंक दिया, तो आपका ही पैसा वापस दे रहा है। तो अब जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते से वो गुजरते नहीं हैं, और मन ही मन कहते होंगे, पता भी चला है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, क्या समझते हैं, 1 साल में बर्बाद हो जाएगा, ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। फिर जब 1 साल के बाद मिलते हैं ना, दिवालिया होने के बाद, राजू जी आप ठीक ही बोल रहे थे, वो तो मेरा पैसा चला गया, ख़त्म हो गया, ओम भूर भुवः स्वः। और इस तरह का स्कीम उसको होना ही है, डूबना ही है, बना वो इस तरह से है कि 12 महीना 15 महीना 20 महीना, क्योंकि वो स्कीम इस तरह से होता है ना कि आपको लगेगा कि मेरा पैसा 20 महीना में डबल हो रहा है, 30 महीना में डबल हो रहा है, अगर 15 साल में डबल होगा, 10 साल में डबल होगा, तो म्यूचुअल फंड FD नहीं करेंगे, वहाँ तो खेल थोड़ा तेज खेलना है ना, 12 महीना 15 महीना 20 महीना 25 महीना में डबल करना है, और उसके चक्कर में चलेगा, अच्छा
अच्छा उसको मिला था 12 महीना, उसका पैसा तो रिकवर कर गया, 4-5 महीना पैसा मिल गया ना अगर, तब तो ले भाई रिलेटिव का लगाव, मौसा मौसी फूफा फूफी बेटा बेटी सब का पैसा झुका जाता है। चौथा उदाहरण है यहाँ पे मोदी केयर ऑनलाइन, सब लोग जानते हैं इसका नाम, रिसेंटली बात है कि 5,000 रुपये दीजिए ऑनलाइन कंप्यूटर सीखिए, ऑनलाइन दो आदमी को जोड़िए, दो आदमी को जोड़िए, दो आदमी को जोड़िए, 6 महीना में 50,000 रुपये पर मंथ कमा लीजिए, 6 महीना से साल भर के 20-50,000 रुपये पर मंथ। ये प्रोजेक्ट हमारे पास भी आया था, भैया बोले हमको कंप्यूटर उसमें आता ही नहीं था, बोले भैया हमको नहीं जाना, हमको आता ही नहीं, हम सीखेंगे नहीं। तो फिर उसी तरह से दो दो आदमी को जोड़ता गया, 8, 16, 32, 64, 10 लाख आ गया। 5,000 रुपये एक व्यक्ति से लेना है तो कितना हो गया पैसा, 500 करोड़ हो गया। उस 500 करोड़ में 250 करोड़ का बंदर माट कर दो, तो ऊपर जो खोपड़ी वाला आदमी बैठा था, एक आदमी जिसके दिमाग में इस तरह का बिजनेस का आइडिया आया था, वो 250 करोड़ तो बांट दिया, अब 250 करोड़ शुद्ध मुनाफा हो गया हर साल। जितना लोग जुड़ते जाएगा उनको इस तरह का मुनाफा बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ना, किसी को कंप्यूटर कोर्स का लॉगिन करके ये कोर्स सीखा नहीं होगा, किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स में कुछ सीख लूँगा, कुछ फ्यूचर वैल्यू ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस दो आदमी को जोड़ना है, 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 और 50 से 1 लाख रुपया कैसे कमाना है, बस इस लालच में फंसे हुए हैं। वो फंसाना भी इसी तरह से जाता था, किसी को कोर्स फोर्स से मतलब है ही नहीं। तो इस तरह से करके आप देखेंगे क्लोज रिलेटिव को, फ्रेंड को, सबको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद जब भागता है तो सब आपका दुश्मन हो गया, फिर गांव छोड़ के शहर छोड़ के दूसरे जगह आना पड़ता है। कि क्यों, यहाँ सब लोग तो मांग रहे हैं पैसा भाई, 5-5 हज़ार रुपया दो, या 1.5-1.5 लाख रुपये लगाया था वो दो, 15-15 हज़ार रुपया लगाया था वो दो, पैसा कैसे देंगे। सबके साथ वही हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, सहारा के साथ भी ऐसे ही हुआ है, तो शहर छोड़ के भागना पड़ रहा है। अब आते हैं इस पे मेन जो क्वेश्चन टॉपिक है, गेमिंग है। क्रिकेट का मैच चलता है ड्रीम इलेवन के नाम से, ठीक है, यहाँ पे फिर 2, 4, 8, 16 करके 10 लाख व्यक्ति को जोड़ दिया, नौजवान जुड़ गए वहाँ पे। अब 10 लाख व्यक्ति 15-15 रुपया ही दिया तो 150 लाख दे दिया, मतलब 1.5 करोड़ दे दिया, 1.5 करोड़ में 50 लाख का प्राइज बांट दिया, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख। मैंने एक देखा, एक बंदे को 1.5 लाख रुपये जीता था, हमारे साथ 3-4 साल रहे हैं वो, लेकिन आज तक वो 4 साल पहले जीता था लगभग 1.5 लाख रुपया, पता किया हूँ फ़ोन करके पूछता हूँ तो बोलता है कि 4.5 लाख रुपया तो गेमिंग में लगा दिया, और टाइम कितना बर्बाद किया, मोबाइल डाटा कितना रिचार्ज किया, रात में कितना 12-1 बजे जगे होंगे, उसका तो कोई अनलिमिटेड हिसाब किताब है। तो इस तरह से 50 लाख पर डे वो बांट भी दे ना, तो 1 करोड़ रुपया शुद्ध मुनाफा वो जो गेम खिलाना शुरू किए थे उसको वो जाते रहा है। कोई चक्कर नहीं है कि उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया का मुनाफा हो गया, इस बात से ज़्यादा हैरानी नहीं है हमें कि कोई 1 करोड़ रुपया डेली कमा रहा है। दिक्कत क्या है ना, 20 से 30 साल के एज के आज के लड़के, अगर यंग जनरेशन 4 से 5 घंटा इस तरह से समय बर्बाद करेंगे, तो यकीन मानिए आप अपने समाज में देखिए, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, पूछिएगा, जिसका एज 40 से 45 है और जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, उसका पता करेंगे, उससे पूछेंगे ना, तो बोलेंगे जवानी में, भरी जवानी में 4 से 5 घंटा इसी तरह टाइम वेस्ट किया तो आज उनकी शादी नहीं हो रही है। तो जो लोग आज गेम खेल रहे हैं, अपना टाइम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इस तरह से यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए शादी नहीं होने वाली है, कोई अपना लड़की देगा ही नहीं यार, क्यों देगा, जिसको कुछ नहीं आता है, जो कोई काम धंधा करके पैसा नहीं अर्न कर सकता है, पैसा बुलाने जो जानता है, उसका शादी कैसे हो सकता है। शादी तो उनका होगा ना, जो कमा रहे हैं, अच्छा खासा है, चल रहा है जीवन यापन, वो इसको ना, कि जो वेस्ट करेंगे उनको होगा। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जो दर्शक है ना, YouTube मुझे बताता है कि 20 से 35 साल के दर्शक ज़्यादा हैं मेरे चैनल पे। उनको मैं बोलता हूँ 1,000 रुपये पर मंथ कीजिए, म्यूचुअल फंड में छोड़ते जाइए। 1.40 करोड़ रुपया बना है 27 साल में, रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। मैंने कभी नहीं फील किया, कभी नहीं सच में, कि मैं गरीब रहूंगा या अमीर नहीं बनूंगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आप अपने मन में एक सेंटेंस बना के रखिए कि हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोकता, एकदम दृढ़ संकल्प है कि मन से माना हुआ कि हम तो अमीर बनेंगे ही बनेंगे। जब तक आप सोचेंगे नहीं तो बनेंगे भी नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं गरीब रहूंगा, हम तो हमेशा सोचते थे कि हम करोड़पति हैं, बन भी गए। जो आप सोचते हैं, जो भी इंसान जो सोचता है, वो 90% होता ही होता है। तो आपको मन में ये मान लेना है कि आपको तो अमीर बनना ही बनना है,
मात्र 1,000 रुपये पर मंथ। देखिए क्या किया है, 1,000 रुपये पर मंथ मात्र जमा किया। फंड का नाम है निपोन ग्रोथ फंड। 1995 से लेकर 2022 तक, आज तक 27 साल में जमा हुआ है 3,25,000 रुपया और वैल्यू है 1,40,00,000। 22% का रिटर्न है मात्र 1,000 रुपये पर मंथ। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे दूसरे जगह पे, क्यों दूसरे जगह जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं हो सकता। ये सोचते हैं ना कि आज पैसा लगाएंगे, आज लॉटरी खेल लेंगे, आज ताश खेल लेंगे, जुआ खेल लेंगे, आज बन जाएंगे। बनता नहीं है, बिगड़ता ज़्यादा है। बनता उनका है, वो जो गेम चला रहे हैं वही अमीर बनता है, बाकी लोग तो कंगाल ही होंगे। जहाँ तक लालच का बात ना, कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैंने काफ़ी दिनों से मेहनत किया है, तो इस तरह का अब मुझे मेल आता है कि आप ना इस गेम का अपने चैनल पे एडवर्टाइज कर दीजिए तो आपको $1,000 दे देंगे। बस एक मिनट का वीडियो आपको चलाना है, एक मिनट का वीडियो चलाना है, आपको $1,000 दे देंगे। मेल भरा पड़ा है, आज तक कोई एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चला दूंगा, कुछ लोग जो मुझे चाहते हैं, मानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो इस गेम में लग जाएंगे और पैसा बर्बाद करेंगे। मुझे क्या लगता है ना कि जितने पृथ्वी पर लोगों का पैसा है ना, वो सब मेरा है, तो मेरा पैसा है तो मैं क्यों वेस्ट करूं? मैं हमेशा ये सोचता हूँ, जिनका भी पैसा है ना वो सब मेरा है, तो मेरा ही अपना ही पैसा है तो मैं वेस्ट क्यों करूंगा? तो ये जो बोलते हैं ना कि $1,000 दे देंगे, भाई क्यों दोगे तुम $1,000? फिर उसके बाद क्या होगा? एक वीडियो चल जाएगा, उसके बाद अगर 100 लोग आपके पास चले गए तो कितना डॉलर आप कमा पाएंगे? तो इस तरह का लालच नहीं करना है। अगर मैं करूँ तो पैसा खूब आ सकता है, पर पैसे का करूँगा क्या? एक लिमिट सेट हो गया ना, 1-2 करोड़ के बाद पैसा कितना भी हो जाए ना वो अकाउंट में ही रहेगा, उसके बाद उस पैसे का कोई यूज नहीं है। तो बिल्कुल लालच नहीं करना है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, फिर वही बोलूँगा, 1,000 तक व्यू हुआ है तो 1,000 लाइक होना चाहिए, 2,000 और 10,000 व्यू है तो 10,000 लाइक हो जाना चाहिए। आपको वीडियो में कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता है तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे ना तो लोगों तक वीडियो नहीं जाएगा। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और जानना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।